ना हो जाएगा। किसानों से जुड़े दो बिल रविवार को राज्यसभा से पास हो गए, लेकिन जिस तरह से राज्यसभा में हंगामा हुआ, माइक तोड़ी गई, हाथापाई हुई, यहाँ तक कि मारपीट की नौबत तक आ गई, उससे संसद की गरिमा एक बार फिर से तार तार हो गई। राज्यसभा में हंगामे की वजह से तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन सहित 8 विपक्षी सांसदों को सोमवार को निलंबित कर दिया गया है। ये तस्वीरें राज्यसभा के उस हंगामे का है जहां ज्यादातर विपक्षी सांसदों ने किसान बिल के विरोध में जमकर हंगामा किया, लेकिन इस दौरान राज्यसभा में जो हंगामा हुआ वो शायद इससे पहले कभी नहीं देखा हो। जब सदन में बिल पर चर्चा चल रही थी तब विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसद बेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान कुछ सांसदों ने रूल बुक फाड़ दी और सदन की कार्रवाई का संचालन कर रहे उपसभापति हरिवंश पर कागज फेंके गए। कुछ विपक्षी सांसद अधिकारियों की टेबल पर खड़े नजर आए और उपसभापति के आसन के सामने लगा माइक भी तोड़ दिया। उपसभापति के बगल में खड़े अधिकारी ने माइक छीन कर बचाने की कोशिश की। आपके राज्यसभा सांसद को जब मार्शल बाहर ले जाने लगे तो उन्होंने मार्शल से धक्का मुक्की की, वे उन्हें भला बुरा कहते नजर आए। संजय सिंह जब टेबल से नीचे उतरे तो दूसरे सांसद टेबल पे चढ़ गए और हल्ला करने लगे। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई कुछ देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में राज्यसभा ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषि कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी। हंगामे के बाद यह तय था कि हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार की ओर से विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था। जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया है उनमें टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, डोला सेन, राजीव साटन समेत अन्य शामिल है। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के नाम लिया और उन्हें संसद से बाहर जाने के लिए कहा गया। विपक्ष की ओर से उपसभापति के खिलाफ पेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि मुझे उससे दुख हुआ जो यहाँ कल हुआ, यह राज्यसभा के लिए बहुत बुरा दिन था। कुछ सदस्यों ने उपसभापति पर कागज उछाले, उपसभापति के मुताबिक उनके लिए गलत शब्द भी निकाले गए। नायडू ने कहा कि सदन में माइक को तोड़ना अस्वीकार्य और निंदनीय है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, इट अनएक्सेप्टेबल एंड आल्सो कंडेमनेबल, इट टार्निश द इमेज ऑफ पार्लियामेंट, पर्टिकुलर द एल्डर्स हाउस। सो क्लाइंबिंग ऑन द बेंच, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing deputy chairman from his duties. इस बीच विपक्ष के राज्यसभा उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया जिसे सभापति वेंकैया नायडू ने खारिज कर दिया है।